हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रेंच जुडिशियल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने जो फ्रांस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हमने उसकी स्टडी की। आफ्टर दैट आज हम इस सेशन में करेंगे सुप्रीम काउंसिल ऑफ जस्टिस। जब हमने इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किया था हमने कहा इसकी जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कोर्ट होती है, वो फोर हाईएस्ट कोर्ट होती हैं। जैसे इंडिया में एक है वो है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फ्रांस में फोर कोर्ट्स हैं जिसको हम लास्ट रिजोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स कह सकते हैं। तो वो कौन सी हैं? ऑर्डिनरी केस में क्या होता है, जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उसमें कोर्ट ऑफ सेसेशन जे क्या है, सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में क्या होता है, उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको ही लास्ट रिजोर्ट कोर्ट माना जाता है। और उसके बाद दो और कोर्ट्स हैं जो लास्ट रिजोर्ट सबसे सुप्रीम कोर्ट कहलाती हैं। तो वो कौन कौन से है, सुप्रीम और हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी, एंड सेकंड है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस तरह हमारे पास टोटल फोर सुप्रीम कोर्ट्स आ जाती हैं जो फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट की तरह कंसीडर की जाती हैं। तो इसमें से सबसे पहले करते हैं हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी। जो हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी है ये क्या करती है, जो जुडिशियल बॉडी है, जो जुडिशरी है, इसको इंडिपेंडेंट बनाने का काम करती है। जो आर्टिकल 64 ऑफ फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक शैल बी ग्रांटर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियल अथॉरिटी। मीनिंग जो प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, इसका मीनिंग होता है प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस, वो ही क्या होगा, जो जुडिशियल अथॉरिटी है। जुडिशियल अथॉरिटी मीन्स जजेस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इन दोनों से मिलकर बनती है जुडिशियल अथॉरिटी। ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, इनकी इंडिपेंडेंस की गारंटी कौन लेता है, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। इसके लिए जो प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट है, जो प्रेसिडेंट जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंट रखेगा, क्योंकि फ्रांस में क्या है, जो जुडिशरी है, जुडिशरी एग्जेक्टिव की ही एक ब्रांच मानी जाती है, उसको इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं कहा जाता है। जैसे इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल है, लेकिन वहाँ पर नहीं है, वो एग्जेक्टिव ब्रांच है, इसका ही एक पार्ट मानी जाती है, जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है उसमें असिस्ट करती है। लेकिन जो जुडिशरी है इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अगर ये इंडिपेंडेंट होगी तभी लोगों को जस्टिस मिलेगा। इसके लिए क्या प्रोविजन की गई है, को जो प्रेसिडेंट है, जो एग्जेक्टिव का हेड होता है, एग्जेक्टिव हेड प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, इसके साथ एक काउंसिल होती है, जो काउंसिल क्या करती है, जो भी जजेस हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, इनको इंडिपेंडेंट बनाने का काम करती हैं। तो इस काम के लिए प्रेसिडेंट शैल बी असिस्टेड बाय द हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी, इसके लिए वो हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी की हेल्प लेता है, जो किसको डिटर्मिन करती हैं, डिटर्मिन करती हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी, उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होगी, उनकी प्रमोशन कैसी होगी, इन सब के रिगार्डिंग रूल्स हैं वो लेजिस्लेचर नहीं बना रही, बल्कि जो हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी है ये ही बनाती है। जो हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी है ये किससे मिलकर बनती है, हुज कॉम्पोजिशन इज डिटर्मिंड बाय ऑर्गेनिक लॉज, वहाँ पर ऑर्गेनिक लॉज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पार्लियामेंट के द्वारा ही पास किए जाते हैं। हाई काउंसिल की जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन ऑर्गेनिक लॉ के थ्रू ही डिटर्मिन की जाती है। जो आर्टिकल 65 है ये बताता है कॉम्पोजिशन ऑफ हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी। तो हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी क्या है, जो हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी है इसकी कॉम्पोजिशन में क्या आता है, प्रेसिडेंट भी आता है एंड मिनिस्टर ऑफ जस्टिस भी आता है। और इसकी रिगार्डिंग ये ही कहा जाता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक है
वो क्या है, वो ही मीटिंग्स को प्रिजाइड करेगा। तो मीटिंग्स आर प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। एंड वहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है वो क्या बन गया, एक्स ऑफिसो वाइस प्रेसिडेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट माना जाता है हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी। तो जो हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी है इसके टू सेक्शंस हैं, तो इसकी जुडिक्शन के टू पार्ट्स कर दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, जुडिक्शन ओवर जजेस, एंड सेकंड है जुडिक्शन ओवर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जो हम कह रहे थे जुडिशियल अथॉरिटी, तो जुडिशियल अथॉरिटी में क्या आता है, एक जजेस आते हैं, दूसरा आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो हायर काउंसिल है इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो ये किस किस से मिलकर बनती है, जो जुडिक्शन ओवर जजेस है इसमें कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, 5 जजेस होते हैं, 1 पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, 1 काउंसलर होता है, एंड 3 प्रोमिनेंट सिटीजन्स होते हैं। जो 3 सिटीजन्स हैं ये पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं होने चाहिए, और जो ये 3 सिटीजन्स हैं इनमें से एक सिटीजन को प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक है वो अपॉइंट करता है, सेकंड को प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल असेंबली है वो अपॉइंट करती है, एंड थर्ड को प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट है वो क्या करता है, इलेक्ट करता है। इस तरह वहाँ पर जो जुडिक्शन ओवर जजेस है जिसमें जे मेंबर्स होते हैं, एंड जो जुडिक्शन ओवर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है ये क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर है, इनमें पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, क्योंकि जो हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी है इसमें प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या बन गया, जो प्रिजाइड करता है मीटिंग को, ये प्रेसिडेंट भी है हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी का। एंड मिनिस्टर ऑफ जस्टिस वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसमें भी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होगा। इसमें 5 जजेस थे, जो प्रोसिक्यूटर्स है इसमें 1 जज होते हैं, एंड 5 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जे आपस में डिफरेंट हो गया, जहाँ पर 5 जजेस थे वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 5 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो गए, जहाँ पर 1 पब्लिक प्रोसिक्यूटर था जहाँ पर क्या बन गया, 1 जज बन गया। इस तरह वहाँ पर 1 जज, 5 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, और बाकी सेम है, 1 काउंसलर है, एंड 3 प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं। तो इस तरह ये सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं जो हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी है। तो जो हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी है इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है, फंक्शंस ऑफ द जुडिक्शन ओवर जजेस, तो जो जुडिक्शन ओवर जजेस हैं ये कौन सा काम करते हैं, तो ये जजेस के रिगार्डिंग ही काम करते होंगे, क्योंकि जुडिक्शन ओवर जजेस है। तो दे मेक रिकमेंडेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द हाइएस्ट कोर्ट्स, मीनिंग जैसे कोर्ट ऑफ सेसेशन है, जैसे कोर्ट ऑफ अपील है, इसमें जो जजेस हैं जजेस को कैसे अपॉइंट करने हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, उनका टेन्योर कैसा होगा, और अदर जजेस हैं इनकी अपॉइंटमेंट है ये सभी किसके द्वारा डिटर्मिन की जाती हैं, जो फर्स्ट सेक्शन में आते हैं जुडिक्शन ओवर जजेस के द्वारा ही होती है। इवन कि अगर किसी जज की प्रमोशन करनी है उसके लिए भी जुडिक्शन ओवर जजेस है इस सेक्शन से ही परमिशन लेनी पड़ती है। एंड जे क्या एक्ट करती है, इट एक्ट्स एज डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल फॉर जजेस, जिसके थ्रू जजेस को जो डिसिप्लिन है डिसिप्लिन में रखा जाता है, उनकी जो सर्विसेज की कंडीशंस हैं वो बताई जाती हैं, एंड इस तरह जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट रह के अपना काम कर सकते हैं। एंड सेकंड आता है फंक्शंस ओवर जुडिक्शन ओवर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जो फंक्शंस हैं जुडिक्शन ओवर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के वो क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज जी गिव इट्स ओपिनियन ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ पोस्ट फिल्ड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मीनिंग जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं अगर इनकी अपॉइंटमेंट होगी, इनके अपॉइंटमेंट के लिए क्या है, ये अपने ओपिनियन देती है, एंड ये सिर्फ जो मिनिस्टर्स हैं जो पोस्ट हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग्स में फेल हो जाती हैं उसको छोड़कर बाकी सब पर जे अपने ओपिनियन देते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का मीनिंग क्या हो गया, जो ऑफिशियल लॉयर्स होते हैं उनको ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कहा जाता है। एंड
जो जी जुडिक्शन है, जुडिक्शन क्या देती है, इट गिव्स ओपिनियन ऑन डिसिप्लिनरी मेजर्स रिगार्डिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो जे भी डिसिप्लिनरी मेजर्स हैं वो उठा सकती है ताकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं जे अपने डिसिप्लिन में रहें। तो जी होगी हमारी हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी। उसके बाद जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है वो है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या है, इसमें जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर प्रेसिडेंट है वो अपना काम अच्छे से नहीं करता तो उसको कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो उसके लिए हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस है जे क्रिएट की गई है। तो जो आर्टिकल 67 है वो कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक शैल नॉट बी अकाउंटेबल फॉर एक्शंस परफॉर्म्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ऑफिस। वो जो भी अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है, जो भी वो काम करता है, उसके लिए वो कभी भी अकाउंटेबल नहीं है एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाई ट्रेजन, मीनिंग अगर वो देशद्रोह करेगा उसको छोड़कर बाकी किसी काम के लिए अकाउंटेबल नहीं है। तो उसको इम्पीच भी किस केस में किया जा सकता है, ओनली इन द केस ऑफ हाई ट्रेजन। तो जो हाई ट्रेजन करता है उसमें उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया कैसे जाएगा, इसके लिए आर्टिकल 68 है, वो कहता है प्रेसिडेंट रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस शैल बी प्रोक्लेम्ड बाय पार्लियामेंट्री सीटिंग एज द हाई कोर्ट। इसके लिए जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट क्रिएट की जाती है जिसमें पार्लियामेंट्री सीटिंग होएगी। इट मींस क्या हो गया, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, इन दोनों के मेंबर्स हैं, जब वो बैठते हैं तो उसको एज अ हाई कोर्ट कहा जाता है जिसमें प्रेसिडेंट की रिमूवल की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स ऑन बोथ हाउसेस। 12 मेंबर्स कहाँ से होंगे, जो नेशनल असेंबली है, एंड 12 मेंबर्स होंगे सेनेट में से। तो इस तरह जो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसको क्रिएट किया जाता है। तो जो जजेस हैं, जजेस कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो पहले प्रपोजल टू कन्वीन द हाई कोर्ट, पहले बताना होगा कि हाई कोर्ट को कन्वीन करना है। इसका प्रपोजल किसी भी हाउस में लेकर आया जा सकता है, चाहे नेशनल असेंबली है और दो सेनेट है, वो प्रपोजल ला सकती हैं कि हाई कोर्ट को कन्वीन किया जाए। अगर मान लो नेशनल असेंबली में हाई कोर्ट को क्रिएट करने के लिए, कन्वीन करने का प्रपोजल आता है, तो 15 डेज में ही सेनेट के साथ ये प्रपोजल पास होना चाहिए, उसके बाद ही हाई कोर्ट को कन्वीन किया जाता है। तो इसके लिए जो अप्रूवल है दोनों हाउसेस की रिक्वायर्ड होती है। जब जे हाई कोर्ट कन्वीन होती है उसमें फिर क्या होती है, वोटिंग होती है, वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट विद इन 1 मंथ। 1 मंथ में ही सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू क्या हो जाएगी, वोटिंग हो जाएगी। और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। तो जे भी क्या बन गई, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस बन गई। इस तरह वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है सबसे डिफरेंट हो जाता है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट ना होकर 4 टाइप्स की सुप्रीम कोर्ट होती है। तो आज हमने इस सेशन में जो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी, हम इसको कंप्लीट करते हैं। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।